वन विभाग ने प्रदेश भर में चलाए गए पौधारोपण अभियान के तहत 5 दिनों में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत पौधारोपण कर 4 दिनों में ही लगभग 21 लाख पौधे रोपे गए। ये जानकारी वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधारोपण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान दी। गोविंद ठाकुर ने सभी लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। वन विभाग द्वारा इन दिनों प्रदेश भर में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 19 जुलाई को मंडी जिला के पनारसा से किया था। वन विभाग ने शिमला स्थित अपने मुख्यालय में पौधारोपण अभियान को लेकर मॉनिटरिंग कक्ष की स्थापना की है, जहां पर अभियान की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है। मंगलवार को वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस मॉनिटरिंग कक्ष का दौरा किया और विभागीय अधिकारियों के साथ अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। इस मौके पर गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पौधारोपण अभियान के तहत स्थानीय लोग, विद्यार्थी, महिला व युवक मंडल और गैर सरकारी संस्थान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग का लक्ष्य है कि 5 दिनों में प्रदेश में 25 लाख पौधे रोपित किए जाएं। गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी लोगों से पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। गत 19 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने इस मॉनसून का पौधारोपण कार्यक्रम मंडी जिला के पनारसा से प्रारंभ किया था और उसके बाद हमने 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिनों के लिए पौधारोपण अभियान पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया है। चिंता की बात यह है कि अभी तक इन 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 20,90,000 से अधिक पेड़ अब तक लग चुके हैं और जिनके लिए 1,07,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त जिन्होंने उसमें भाग लिया है। और इसमें एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि लगभग 61% पेड़ जो चौड़ी पत्ती वाले हम कहते हैं वो लगे हैं, वो 12,36,000 से अधिक। और उसके साथ साथ है कि जो बान और ओक इत्यादि है वो भी लगभग 5,57,000 ये देवदार के वृक्ष लगे हैं और बान और ओक ये हमारा 1,42,000 और अदर कॉनिफर 9,000, यानी ये भी लगभग इतने लगे हैं। तो और इसके अतिरिक्त सब मिला करके 20,90,000 से ऊपर। और एक हमको पूरा विश्वास है कि जो हमने टारगेट दिया है कि हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हम 5 दिन में 25 लाख पेड़ लगाएंगे और अभी 8 बजे तक आज भी प्लांटेशन चल रही है और कल का पूरा दिन भी है, तो मुझे लगता है कि 25 लाख से हम और आगे बढ़ करके इसको प्लांटेशन करेंगे और लगभग 1,25,000-30,000 लोगों के सहयोग से ये सब काम चलेगा। इस मौके पर वन प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार ने बताया कि पौधारोपण अभियान के विश्लेषण के लिए कार्यालय में मॉनिटरिंग कक्ष की स्थापना की गई है, जहां पर कितने पौधे रोपित किए गए और कितने लोगों ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पौधारोपण अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 4 दिन में ही 21 लाख पौधे लगाए गए हैं। वन विभाग जो हर साल पौधारोपण करता है वन क्षेत्रों में, और इसके लिए हमने जो है एक अभियान चलाया हुआ है जो जनता को जागरूक करने के लिए, जनता का सहयोग लेने के लिए पौधारोपण में। पिछले साल भी ऐसा एक अभियान चलाया था, तब हमने 3 दिन में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था पिछले साल 2018 में। इस साल इसको और एक व्यापक रूप देके हमने तय किया है कि 5 दिन में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो 19 तारीख को पनारसा में जिला मंडी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्टेट लेवल वन महोत्सव का आरंभ किया और उसके बाद 20 तारीख से हमने ये अभियान शुरू किया जो कि 24 तारीख तक चलेगा। और 5 दिन में 25 लाख पौधे लगाने के लिए जो है करीब 5 लाख पौधे प्रतिदिन लगाने हैं, तो मुझे ये बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी हम टारगेट काफ़ी अचीव कर लिए। कल भी हमने पूरा कर लिया था, 15 लाख से ऊपर चले गए थे, आज भी हम टारगेट पे पहुंच गए हैं। तो ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।